रहा हूँ, रिजर्वेशन मिला है ना? कहाँ है सीट? शायद आगे मिल जाए। आगे जाइए। ओर भाग रहा था या अंत मेरी ओर, मुझे पता नहीं। बस कुछ पता है तो वो जगह जहां से इस सफर की शुरुआत हुई। प्रयागराज, एक ऐसा पौराणिक शहर जिसका अस्तित्व धर्म कर्म की परंपरा से बना, और सामने दिखाई देती इस दार्शनिक बात की सच्चाई जिसमें पूरे तरीके से विश्वास रखकर चलने वाले लोगों में से एक मेरे पापा महादेव। प्रयागराज की इसी परंपरा को निभाते हुए एक पुजारी जिनका जीवन सुनिए भैया इस पुश्तैनी काम के साथ आगे बढ़ रहा था। है? हाँ भैया, आओ यजमान करवा देते हैं। क्या खर्चा पड़ेगा? अरे महाराज, पूजा सामग्री का 100 रुपया करीब आएगा और दान दक्षिणा के रूप में जो आपकी इच्छा होगी। इसी काम से की गई कमाई और दान दक्षिणा से मिली चीजों से हमारे पूरे घर का खर्चा चलता। पापा का मानना था कि जैसे धर्म के लिए किए गए कार्य ने उनकी पहचान बनाई, वैसे ही शिक्षा के लिए किया हुआ काम हमारी पहचान बनाएगी, क्योंकि शिक्षित होना भी चले आज एक धर्म है। इसीलिए घर की छोटी आर्थिक व्यवस्था होते हुए भी वो हम तीनों भाई बहनों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मौके तलाशते रहते। पापा चलिए, घर पे कोई आया है। 2010-11, वो समय जब एक तरफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना सबके लिए चाह बन गई थी और दूसरी तरफ इसी चाह को राह देने के लिए पूरे देश में कॉलेजेस खोले जाने लगे, और मेरे पापा इस सामाजिक बदलाव को मेरे सुनहरे भविष्य का मौका समझ बैठे। और एक दिन सत्यवान, अरे कहाँ हो बबुआ? आवा। आजकल ये इंजीनियरिंग का फॉर्म और हवाई जहाज का दाम एक ही हो गया है। वो कागज पे प्रैक्टिस कर लो बेटा। अरे आपकी तरह तिलकधारी पंडित नहीं है, 12 पास किए हैं विज्ञान से। हाँ सही कह रही हो, सही कह रही हो। क्या है कि अपने खानदान में पहला इंजीनियर बनने वाला है, अब तो सीधा फॉर्म ही भरेगा। बस ये इंजीनियरिंग का कंपटीशन निकल जाए, जहाँ सरकारी कॉलेज मिला तो समझो नौकरी पक्की। अब आपकी भविष्यवाणी खत्म हो गई हो तो फार्म भर ले। सब खुश थे और उन्हें देखकर मैं भी। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और परिवार के उम्मीदों की जिम्मेदारी को समझते हुए मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत भी हुई बबुआ, लेकिन जब रिजल्ट आया हम सब हताश थे। और ऐसे में पापा, मैं फिर से तैयारी कर सकता हूँ या फिर BSc कर लूँ, उसमें भी फ्यूचर अच्छा है। नहीं बेटा, सारा समाज और दुनिया जानती है कि तुम क्या करने वाले हो। अब इस वक्त फैसला बदलने की जरूरत नहीं। अरे जहाँ इतना पैसा खर्च हुआ तो थोड़ा और सही, प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करो। एक बार डिग्री मिल गई तो नौकरी भी मिल ही जाएगी। हाँ, बात तो सही है, इसी बहाने पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। अरे एकदम सही है भाई, पढ़ाई पूरी होने के बाद। अपनी सोच को नए तरीके से ढालकर पापा ने आगे बढ़ने का फैसला लिया, साथ मैं भी आगे बढ़ा। लेकिन मेरे आगे बढ़ने की एक कीमत थी। कॉलेज की फीस देने की वजह से हमारे पुश्तैनी जमीन का आधा हिस्सा बिक गया। तमाम ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों से गुजरते हुए मैं एक ऐसे कॉलेज में आ पहुंचा था जिसकी हालत मेरे सामने थी, और मैं सब कुछ देखते हुए भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना ही सही समझा।
जीवन के 4 साल बीत गए थे। अपनी आशाओं और उम्मीदों से टकराते टकराते मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और अब मैं एक डिग्री होल्डर पास आउट इंजीनियर बन चुका था। सब खुश थे और ये हमारी जीत थी। समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। हजारों पास आउट इंजीनियर्स नौकरी के लिए भटक रहे थे और मैं भी इसका हिस्सा था। बावजूद इसके अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं और पापा अपने कुछ परिचित टीचरों से मिले जिन्होंने प्राइवेट नौकरी खोजने के साथ साथ सरकारी नौकरी के फायदे गिनवा दिए और आखिरकार एक दिन अखबार में छपी जॉब वैकेंसी के सहारे पापा ये जॉब मैं उस शहर में आ पहुंचा जहां से मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैं सत्यवान शुक्ला। मैम इंटरव्यू के लिए कंफर्मेशन लेना था। कब है? जी अच्छा, मैं पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। हाँ हाँ, एकदम सस्ता और टिकाऊ, महल टाइप का फील देता है एकदम। देख लीजिए, कमरा एकदम एयर कंडीशन वाला है। अब क्या है कि छत काफ़ी ऊंचा है ना, इसलिए अभी आप खुद ही देख लीजिएगा। मकान मालिक ज़रा संभाल कर, मकान मालिक पब्लिक सर्विस भी देते हैं। जैसे ये बगल वाला बच्चों का स्कूल खुद यही चलाते हैं और चुनाव के दौरान बगल वाले कमरों में पार्टी के कार्यालय भी खुलवा देते हैं। आप कमरा देखिए। जी जी, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? लाइट नहीं जल रही है। वो कैंडल मिल सकती है? कैंडल? ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अपना कैंडल जला लीजिए और मेरा कैंडल बुझाकर वापस कर दीजिए। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब कैंडल्स भी नहीं है। क्या है कि मेरे दादाजी थोड़े कंजूस है, इसीलिए कैंडल के पैसे भी रेंट के साथ ही दे दीजिएगा। और हाँ, इस रूम की वायरिंग थोड़ी सी लूज है, पर नो इश्यूज, कल तक वायरिंग ठीक हो जाएगी। कैंडल और भी रखे हुए हैं, जब जरूरत होगी मांग लीजिएगा। बबुआ। प्रणाम अम्मा। खुश रहो बबुआ, कब पहुँचे? यही बस आधे घंटे पहले। बबुआ नौकरी का कुछ हुआ? अम्मा कल इंटरव्यू है, उसके बाद पता चलेगा। अच्छा चलो ठीक है, नई जगह है, थोड़ा ध्यान से रहना। और अम्मा। हाँ बोलो। पापा से कहना सब कुछ मेरे मन में मेरे साथ चल रहा है और मैं सब कुछ ठीक करने के रास्ते पे ही हूँ। हाँ बबुआ छोड़ो ये सब, तुम अपनी तैयारी करो बस, हम सब यही चाहते हैं। अब रखो। प्रणाम अम्मा। जगह बदलने के साथ साथ मेरे लिए जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ चुका था, इसलिए मुझे प्राइवेट नौकरी खोजने के अलावा सरकारी नौकरी पाने के लिए भी रास्ता बनाना था, जिसकी तैयारी की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले एक बुक सेंटर पहुंच गया। भैया ये स्टेट जूनियर इंजीनियर का फॉर्म कब तक आएगा? भैया अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ दिन बाद आकर पता कर लीजिए।
सीट्स कितने होते हैं उसमें कुछ अंदाजा है? भैया सरकारी विभाग है, कभी सीटें 11 आती हैं तो कभी 111, और अंदाजन बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और रिजर्वेशन? भैया वो सब तो वैकेंसी निकलेगी तभी पता चलेगा, और सरकारी नौकरी चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे तैयारी शुरू कर दीजिए, वैकेंसी जब निकलेगी तब निकलेगी। महीनों तक प्रयास करने के बावजूद भी मुझे नौकरी नहीं मिल पाई थी और ना ही गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई वैकेंसी, लेकिन भाग दौड़ की इस तीव्रता ने मुझे बीमार जरूर कर दिया था। खराब न्यूट्रिशंस की वजह से नाखून में इन्फेक्शन हुआ है। खाने पे ध्यान दीजिए, प्रोटीन वाला खाना लीजिएगा, और ये जो कान में इन्फेक्शन हो रहा है ये भी इसी वजह से हो रहा है। भाई अच्छी चीज नहीं लोगे तो बॉडी कमजोर पड़ जाएगी, इम्यून सिस्टम वीक पड़ेगा तो बीमारी शुरू। कुछ मेडिसिंस लिख रहा हूं, इन्हें आप लीजिए। सर कितने दिन लेनी पड़ेंगी ये दवाइयाँ? यही कोई 3-4 महीने तो लेनी पड़ेंगी आपको। खर्च कितना होगा सर 3 महीने में? अरे भाई उसकी चिंता मत करो तुम, होम्योपैथी बहुत ही सस्ता इलाज है आजकल। फिर भी सर? यही कोई 300 रुपये पर वीक तो होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट। अरे सुनिए, वो लाइट का कनेक्शन ठीक हो गया है, पुरानी वायरिंग है ना, तो थोड़ा सॉरी उसके लिए। प्रयासों के बावजूद भी बार बार मिल रही असफलता मुझे कमजोर बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ मेरी जिम्मेदारियां मेरे कमजोर पड़ रहे मनोबल को थामे मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती रहती। ये बिल्डिंग इस तरफ ही है? ये लेफ्ट साइड में। थैंक यू। वैसे कौन से कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है? सर इंडियन कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ओके, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तब तक आपको इंटर्नशिप पे रहना पड़ेगा, और इसके बाद की जो बातें हैं वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगी। जी। तो कितना पेमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं? सर जो आप देते हो इस पोजीशन के लिए। अच्छा, सैलरी शुरू होगी आपके इंटर्नशिप के बाद, लेकिन हम लोग कन्वेंस में जो है आपको 5,000 रुपीज़ देंगे। रिसेप्शन से वर्कशॉप का एड्रेस ले लीजिए। जी। और कल 10 बजे पहुंच जाइएगा। थैंक यू। ओके। लंबे समय के बाद मिली नौकरी मुझे खुश नहीं कर पाई। दर्जनों इंटरव्यू देने के बाद मैं इस बात को समझ चुका था कि मेरे हाथ में लटकती हुई डिग्री की वैल्यू अब खत्म हो चुकी है, और मैं इस डिग्री को थामे इतनी दूर निकल आया था जहां सब कुछ समझ कर भी मैं किसी को समझा नहीं सकता था। मन उथल पुथल में था, लेकिन अब शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही थी, इसलिए मैंने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली। हम अभी पैनल में लगे पार्ट से शुरुआत करते हैं। देखो ये ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन? हाँ। ये दोनों एक चेंजर है, शंट ए मीटर रीडिंग है। हाँ। लॉक हो जाने पर मशीन जब ऑन होगा ऑफ होगा। हाँ। तो आप इसको जान लेंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है।
ये मशीन भी सेम काम करती है, और इसमें ध्यान रखें कि ये आगे पीछे ना हो पाए। ठीक है। हेलो। हेलो भैया, राम बोल रहा हूँ। अरे बबुआ। भैया वो घर की लाइट का कनेक्शन कट गया है। बिल अधिक हो गया था, कई बार नोटिस भी आया, और पैसे जमा नहीं हो पाते थे इसलिए। पापा घर पे नहीं थे क्या? नहीं भैया, वो संगम गए हुए थे। अच्छा, अम्मा से बात करो। नहीं भैया, अम्मा से कुछ कहना सुना नहीं, आप पूछे थे इसलिए बता रहा हूँ। अम्मा ने मना किया था ये सब आपको बताने से। ठीक है, रखता हूँ, प्रणाम। अरे वाह, क्या पढ़ाई हो रही है इस ब्यूटीफुल से चांदनी रात में? कुछ नहीं। हाँ, मेरी भी इंजीनियरिंग की 2 साल की पढ़ाई में कुछ नहीं था। दो साल मतलब? वो एक्चुअली मैंने 2 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ दी। अरे कबाड़ कॉलेज था, ना ढंग का लैब, ना ढंग के टीचर्स, एक्चुअली ढंग का कुछ था ही नहीं। तुमने घर वालों की 2 साल की कमाई खराब कर दी? खराब कर दी? नहीं, उल्टा 2 साल की बचा ली। तो फिर अभी? मुझे देखकर क्या लगता है? मल्टीमीडिया एनिमेशन, वो भी यहीं, लखनऊ से। हाय, आई एम आनंदिता। सत्यवान शुक्ला। वैसे लखनऊ में यहाँ पर एक फेमस जगह है जहाँ पर एनुअल फेस्टिवल होता है। I mean, साल के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना, उनको एक साथ फेयरवेल दिया जाता है। पूछो कैसे? कैसे? उन सबको एक साथ मनाकर, दिवाली, दशहरा, होली, सब कुछ एक साथ। इन किताबों से फुर्सत मिले तो कभी दिखवा लाए तुमको लखनऊ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हमेशा ऐसे ही रहना। कुछ काम है, पहले पूरे कर लूं। गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी वर्तमान समस्याओं से परिचित मन उथल पुथल में अपने लिए बेहतर संभावनाओं की तलाश में लगा हुआ था, क्योंकि मेरी वर्तमान स्थिति तमाम जरूरतों को पूरा करने में असफल हो रही थी। देखिए, आपके डिग्री के हिसाब से तो हमारे पास कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हाँ, कॉल सेंटर में काम मिल सकता है, लेकिन नाइट शिफ्ट में।
सर वो पे कितना करेंगे? 7 से 8 हज़ार मिल जाएगा आपको। जी सर, थैंक यू। ओके। वाओ यार, ये कब खरीदा तुमने? मैंने बनाया है इसे। तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो यार, मतलब जो भी कंपनी तुम्हें हायर करेगी ना, उनकी तो किस्मत ही खुल जाएगी। क्या हुआ? बचा हुआ पैसा अगले महीने के किराए में। ओह अच्छा, कुछ बातें बिना कहे भी समझी जा सकती हैं। चलती हूँ। और हाँ, अगले महीने इस कैंडल के पैसे भी लूंगी। वो जितनी भी जली है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से जली है। हेलो, क्या हुआ बबुआ? किससे पैसे लिए थे? नहीं मालूम है भैया, मैं वो। अच्छा ठीक है, वो रखो, बाद में बात करते हैं। मैं अपने और परिवार की जरूरतों और जिम्मेदारियों से घिरा हुआ रहने लगा था और ध्यान पढ़ाई परीक्षा से कहीं दूर जाकर अपनी उन जरूरतों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रास्ते तलाशते रहता। हर वो चीज जो मेरी जरूरतें नहीं पूरी कर पाती, उनसे दूर हो जाना मुझे सही लगता। सब कुछ अधर में था और अधूरा भी, जिसे पूरा करना अब जिद सी हो गई थी। देखिए भाई शुक्ला जी, एडवांस पैसे दे दिए तो प्रॉब्लम हो जाए। आपको तो पता ही है आजकल वो हर चीज की राजनीति बन जाती है। लेकिन सर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, माफ कीजिए शुक्ला जी, आई एम सॉरी। प्रॉब्लम तो सबके साथ ही है। अरे भाई साहब, हम जॉब दिलाते हैं, पैसा कहाँ से दिलवाते हैं आप? महीना कल पूरा हो जाएगा, हिसाब कर लीजिएगा।
भैया एक फॉर्म दीजिएगा। सीट कितने हैं? कुल मिलाकर 14 हैं। और रिजर्वेशन? इस बार जनरल कैटेगरी में तो बस 2 ही सीटें हैं। कंपटीशन काफी टफ होगा इस बार। ठीक है भैया, ये आप वापस रख लीजिए। इतनी जल्दी घबरा भी गए? चलिए फिर कभी। हाँ भैया आपका क्या है? जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले पर मैं डगमगा गया। शायद मेरा आत्मविश्वास भी जवाब दे ही देता कि चार सीट तो सेटिंग करके ही निकाल दी जाती है। क्या बात कर रहे हो यार? अरे हाँ भाई, और वो अपने कॉलोनी में भगत है ना। कौन भगत? अरे वही भाई ड्राइवर, अरे वो जो मंत्रालय में गाड़ी चलाता है। ओ, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अरे उसके बेटे की नौकरी लग गई मंत्रालय में, वो भी सरकारी। अरे तुम लोग तो जानते हो ना, बचपन से लेकर के जवानी तक हमेशा गणित में फेल ही होता था, लेकिन आज वक्त ने मेरे सामने एक ऐसी परिस्थिति लाकर रख दी थी जिसने मेरे सोचने और समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। उन लड़कों की बातों पर अब भरोसा था। भरोसा इसलिए भी क्योंकि मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था और आगे बढ़ने का सिर्फ एक, और मुझे इस बदली हुई सोच के साथ चलना सही लगा। वक्त मुझे मेरे ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें दिखाना शुरू कर चुका था जब मैं अपने टूटे हुए फ़ोन की LCD बनवाने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पहुंचा। हर तरफ मोबाइल फ़ोन की दुकानें और हर तरफ उसी से जुड़ी समस्या व समाधान। बस मैं यही सुन पा रहा था उस दिन उस भीड़ में। इन आवाज़ों की शोर ने मुझे यह एहसास करा दिया था कि किसी प्राइवेट नौकरी से अधिक पैसे मुझे ये काम दे सकता है, और हुआ भी यही। अब ना कोई काम मेरे लिए सही गलत रह गया था और ना ही छोटा बड़ा। भाई साहब, मैं मोबाइल फोन टेक्नीशियन हूँ, कुछ काम मिल सकता है क्या? जी आइए।
भाई साहब पेपर देना। भाई साहब कितनी कमाई कर लेते हैं दिन की? बस भैया 100 से 200 रुपये कमा लेता हूँ, 4 बजे उठाता हूँ, 8 बजे काम ख़त्म। सर मैं सत्यवान, पेपर बेचता हूँ, 8 बजे तक खाली हो जाता हूँ। सर मैं आपके अपार्टमेंट में भी पेपर देता हूँ। तो मैं क्या करूँ, काम की बात है तो कर। सर वहीं से पता चला कि आपको ड्राइवर की ज़रूरत है। सर मैं गाड़ी अच्छी चला लेता हूँ। आईडी है? पंडे तो ठीक है, सुबह 10 बजे आ जाना, 10 से 7 की ड्यूटी रहेगी, 10,000 मिलेगा महीने का, ठीक है? तुम तो कमाल के इंजीनियर हो। इंजीनियर नहीं, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन मतलब? कम ऑन यार, तुम्हारे पास डिग्री है, तुम्हें प्रैक्टिकल सेंस भी है, राइट? और इन सब चीजों को जानते हो फिर? हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है पर इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मुझे तो लगता है इंजीनियरिंग क्या है ये इस देश में किसी को पता ही नहीं है।
जी सर। हाँ नमस्कार, आप ही को याद कर रहे थे और आपका फोन भी आया। मुझे मेरा ड्राइवर बनना सार्थक लगने लगा था जब मैंने उस अधिकारी की बातें सुनी। उन लड़कों की बोली हुई सारी बातें मुझे सच होती हुई दिखाई दे रही थी और अब मैं मौके की ताक में था। हाँ पापा, परसों बैंक जाऊंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते, रखता हूँ पापा, प्रणाम। अरे क्या हाल चाल है मिश्रा जी। अरे मिलेंगे दो चार दिन। हाँ अरे बिजी चल रहे हैं आजकल बहुत। हाँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी आ गया ना काफी। हाँ चलो ठीक है, ओके। पंडित हाँ कुछ गिफ्ट पेपर लेना है कवरिंग के लिए, मार्केट में ले लेना जी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और दूसरी तरफ मेरे एग्जाम्स की डेट नज़दीक आ रही थी। एक बड़े अधिकारी के सामने अपनी बात रखने को लेकर मैं डरा हुआ था। आगे क्या होगा नहीं पता था। परिवार और समाज के सामने अपने आप को साबित करने का मेरे पास ये आखिरी रास्ता था। इस सोच ने मेरे अंदर के डर को कुछ समय के लिए ही सही मुझसे दूर कर दिया और मैंने उस अधिकारी के सामने अपनी बात रखने का फैसला लिया। देखिए गोकुल जी, आप तो हमें अच्छे से जानते हैं। हम चार टाइम खाने वाला आदमी हूँ और जब तक मेरा पेट नहीं भरता ना, ये सारा दिमाग काम ही नहीं करता। अरे थोड़ा एक्टिव हो जाइए तभी बात बनेगी। हाँ प्रणाम सर, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो सर। बिजली विभाग में कितना घूस लगता है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए? क्या क्या बेहुदा सवाल कर रहे हो? हम तुम्हें घूस लेने वाले लगते हैं क्या? हाँ क्यों सवाल किया हमको ये? सर चार टाइम का खाना मैं भी दे सकता हूँ। ड्राइवर हो अपनी औकात में रहो, अभी गाड़ी से बाहर निकाल के फेंक दूंगा। साला मुझे घूस देगा। तूने जूनियर इंजीनियर वाली बात क्यों की बे? सर मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंजीनियर हो? जी। तो ड्राइवर गिरी क्यों कर रहे हो? सर वो इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो मुझ में है नहीं। इंजीनियरिंग काहे को किए? हाँ पीली टोपी पहन के मोहल्ले वालों को दिखाना था क्या? सर आपके साथ रहा तभी तो पता चला आपको चार टाइम खाने की आदत है। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। 15 लाख रुपया लगता है बिजली विभाग में नौकरी पाने के लिए। अगर औकात है तो बात करना हमसे, नहीं तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। सर आप काम शुरू कीजिए,
मैं एक हफ्ते में पैसों का इंतजाम करके आपको दे देता हूँ। सर मेरे रोल नंबर और सारी डिटेल्स अपने पास ही रखो, पैसे का इंतजाम हो तब देना। मुझे 12 दिनों के अंदर हर हाल में इन पैसों की व्यवस्था करनी ही थी। पैसे अधिक थे और समय कम था, इसलिए सबसे पहले जॉब कर रहे एक दोस्त को फोन किया। हाँ सत्यवान बोल रहा हूँ। पैसे नहीं मिले, मुझे बिना रुके आगे बढ़ना था। डिग्री पर लोन मिलने की बात अखबार में पढ़ रखी थी, इसलिए एक प्रयास उसके लिए भी किया और अपनी धूल खाती हुई डिग्री लटका कर फिर चल पड़ा। ये एड्रेस उधर आ। डिग्री लेके आया था वो लोन के बारे में, एक बार देख लीजिएगा आप। लाइए हो जाएगा, हो जाएगा। 20,000 तक का खर्चा पड़ेगा लेकिन हो जाएगा जी। 3,00,000 तक का लोन करवा देंगे। काम आगे बढ़ाना होगा तो फोन कर दीजिए। थैंक यू। 12,00,000 अभी भी कम थे और इतने पैसों की व्यवस्था कर पाने का हर एक तौर तरीका अब खत्म हो चुका था, और ऐसी स्थिति में मेरे सामने बस एक ही रास्ता बचा। हाँ बाबा बोला। हाँ पापा प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। पापा वो कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ बेटा बोलो। पापा वो बोलो बोलो। पापा वो काम पूरा कराने के लिए मेरे और मेरे परिवार के लिए यह फैसला आसान नहीं था। पापा ने अपनी जमीन का आखिरी हिस्सा भी बेच दिया। पैसे दीजिए आप। आप पैसा दीजिए। सब असली हाँ। अरे मजाक कर रहा था पंडित जी। अब आप कर लो इंजीनियर बनने की तैयारी। वो पेपर देना अपना रोल नंबर वाला। सर परसों मेरा एग्जाम है तो उसके लिए। हाँ हाँ आप एग्जाम दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, गाड़ी जरा मंत्रालय की ओर ले लो। Thank you.
हमारे सपने सच होने वाले थे। एग्जाम चाहे जैसा भी होता, रिजल्ट मेरे ही फेवर में था। मैं जीतने वाला था और इस जीत की खुशी में मैं किसी और को भी शामिल करना चाहता था। वो एक रेस्टोरेंट है हजरतगंज में, तो मैं सोच रहा था कि टाइम होता तो चलते वहां पे। भैया रिजल्ट देखना है। एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ भैया, अपना रोल नंबर बताइए। आप अपना नाम बताइए। हाँ भैया लिखिए, 432916 सत्यवान शुक्ला। क्या हो भैया? कुछ दिखा? आपका नाम नहीं आया है क्या? ठीक से देखिए एक बार। अरे तुम्हारा नाम नहीं आया है भाई। पूरी लिस्ट में आपका नाम नहीं। साहब नहीं, बुलाओ उसे। कहा ना साहब नहीं है। मुंह तोड़ दे, मुंह बंद रख, बुलाओ उसे, कहा है? अरे 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 पंडित जी क्या हुआ? अरे क्यों इतनी गर्मी खा रहे हैं भाई? अरे शांत हो जाओ, आपका पैसा सेफ है। अरे भाई सुनो, समझो मेरी बात को, हम आपका पैसा बांटे थे। हर उस विभाग में हमने तुम्हारा पैसा दिया जिस जिस विभाग में तुम्हारा पेपर चेक होना था। अरे इन मामलों में कई बार ऊंच नीच हो जाता है, अरे रिस्की होता है यार, पर तुम्हें हम इन सब से पैसा वापस लेके तुम्हें तुम्हारा पैसा पूरे का पूरा तुम्हें देंगे, हम देंगे तुम्हें। और सुनो,
सुनो, अगली बार जब तुम पेपर भरोगे ना तो हम तुम्हारा काम पक्का ही करवाए देंगे। मेरे सारे के सारे पैसे अभी वापस करो। अरे अभी क्या कैसे होगा, देखो अभी सबसे पैसा वापस लेंगे, समय जाएगा ना थोड़ा, तो हम ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, 1,00,000 रुपया मेरे पास है अभी, वो हम अभी तुम्हें देते हैं, जा जा अभी देते हैं 1,00,000 रुपया भाई, बाकी काम के लिए, अरे सुनो सुनो, बाकी काम के लिए, अरे सुनो तो, बाकी काम के लिए हमें 2-4-5 दिन और दो, ये लो, ये हमारे पास है जो, ये रखो मेरे सारे पैसे, अभी वापस करो, अभी वापस करो पैसे। रुको, बता छोड़ मुझे, छोड़। ओए साला, तुमको प्यार से बात समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही तुमको, हाँ क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम, पुलिस में जाओगे क्या, बोलोगे के संजय सिंह को इलीगल काम करवाने के लिए रिश्वत दिए थे? साला, रिश्वत देना और रिश्वत लेना कानून की नजर में दोनों पाप है। हम तो पुलिस को पैसा खिला के बाहर आ जाएंगे। तुम्हारा क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास, तुमने मुझे पैसा दिया था, हाँ? अरे ईमानदार आदमी हूं इसलिए ये 1,00,000 रुपया दे रहे हैं, ज्यादा नौटंकी करोगे तो साला ये भी नहीं मिलेगा। ए, निकालो बार इसको। जी चल निकल, चल पीछे पीछे हट, चल पापा। हाँ बुआ, बोलो बोलो क्या हुआ? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पापा। आप चिंता मत कीजिए, पैसे वापस मिल जाएंगे, मेरी बात हुई है उनसे, बिल्कुल मिल जाएंगे पापा। पापा
पापा अम्मा तुरंत घर चले आओ, तुम्हारी अम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जी पापा मैं अभी निकलता हूँ। हाँ जा जल्दी से। हाँ पंडित जी आप मेरे साथ आइए। पंडित जी हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, कुछ ब्लॉकेज है, जितना जल्दी हो सके पैसों की व्यवस्था कर लीजिए। और हाँ सर्जरी यहाँ नहीं, इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मेरी राय यह है कि आप पैसे की व्यवस्था करके इनको यहाँ से डिस्चार्ज करा लीजिए, ताकि डिस्चार्ज होने के बाद आप इन्हें सीधे दिल्ली लेके जा सकें। ठीक है बाकी पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। तुमने अपना कर्म किया, अच्छा या गलत मुझे नहीं पता। तुम चोर नहीं हो बेटा, चलता हूं पापा। हाँ मेरे पैसों का क्या हुआ? 3-4 दिन बाद कॉल करो, अभी पैसे नहीं मिले हैं। हाँ क्या है? हाँ मेरे पैसों का क्या हुआ? आप ही ने कहा था ना 4 दिन बाद फोन करने के लिए। अरे बोला था तो मैंने भी कोशिश की है ना, रुको कुछ दिन और, अभी नहीं हुआ। फोन मत करो बार बार। हेलो हाँ पंडित अभी पैसे नहीं मिले। अरे कल ही तो बोला था आपको पैसे मिल जाएंगे। कल बोला था तो बोला था। तो जीना आराम कर दियो एकदम से। रखो फोन। ऐसा है कि देवराज मिश्रा हैं जिनके पास पैसे हैं तुम्हारे, वो बाहर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, 1 तारीख तक लखनऊ में वापस आ जाएंगे। अब 1 के बाद फोन करना मुझे।
सर क्या हुआ मिश्रा जी का, जो 1 तारीख को आने वाले थे आपने बताया था ना कि मेरे पैसे उन्हीं के पास है। कौन आने वाला था 1 को? अरे आपने तो बोला था पिछली बार जब हमारी बात हुई थी। अरे 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 मेरे भाई भूल ही गया मैं तो। अरे क्या है ना काम में इतने बिजी रहते हैं कि बस पूछो नहीं। हाँ मिश्रा जी का थोड़ा प्लान चेंज हो गया है भाई, अभी 1 को नहीं 5 को आएंगे वो। ठीक है महीनों तक उस अधिकारी ने मुझसे दिन गिनवाए, पैसे नहीं देना चाहता था वो। मेरे पास समय कम था, मुझे जल्द से जल्द पैसे लेकर दिल्ली पहुंचना था और ऐसी स्थिति में। हाँ पापा। हाँ बाबू। आप 10 तारीख का टिकट ले लीजिए। ठीक मैं 10 तारीख को यहाँ से चल दूंगा। बाबू पैसे का क्या होगा? हाँ पैसे मिल जाएंगे 10 तारीख को। ठीक है मैं अभी डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। इस पड़ाव पर खड़ा मैं किसी लाचार और मजबूर इंसान की तरह जीवन जी रहा था जो हर तरह की बुरी से बुरी परिस्थितियों में घिर चुका था। मुझे मेरी हार दिखाई दे रही थी लेकिन मुझे उस हार को जीत में बदलना था, इसलिए मैंने उस अधिकारी के साथ फिर से काम करने का फैसला लिया। अरे एक बार जब तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा पैसा तुम्हें 20 को मिलेगा, समझ में नहीं आती बात? मैं इधर खाली बैठा हूँ फोन सुनने के लिए। संजय सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, जब से काम छोड़े आपके यहाँ से तब से अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है सर मुझे काम पर रख लीजिए प्लीज, 1-2 हज़ार कम दीजिएगा चलेगा? हाथ छोड़ता हूँ सर मुझे काम पर रख लीजिए, कम से कम मेरा घर तो चलेगा। अरे ये कि तुमने पंडितों वाली बात, ठीक है आ जाओ कल से। साइड पे लगाना। हाँ जी प्रणाम नेता जी। जी जी जस्ट 1 सेकंड होल्ड कीजिए बस। तुम थोड़ा बाहर टहलो, कुछ जरूरी बात है, बाहर टहलो। जी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? ₹40 लाख है, करवाता हूँ जल्दी। परेशान मत हुआ कीजिए, जीवन लंबा है और काम करेंगे और बहुत कमाएंगे। आ जाओ भी पंडित।
मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ नहीं होगा, मैं कोई अधिकारी नहीं, पकड़ा भी जा सकता। तो मैं क्या करूं? सरदार हो तुम भी मेरी ही तरह अधिकारी हो। हाँ जी कहिए भैया। ये मोबाइल का प्राइस क्या होगा? 100 रुपये। ठीक है, आप मेरे को 3 दे दीजिए। क्या करेंगे? वो कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसी के लिए। Thank you.